कैमरामैन फोकस करो, हमारी मेहरारू आ रही है। राम राम भाई लोग, कैसे हो सारे। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का अफेयर चल रहा है ओए एग्रीमेंट को लेकर। लेकिन इसी के बीच कुछ ऐसे आटू झाटू यूट्यूबर है जो खूब मजे ले रहे हैं। पहले लेते थे मोगैया जवान के ये दोनों मौगा। भगवान से तो हम विनती करते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, इंडस्ट्री में तुम्हारा नाम ही नहीं रहे। के ऊपर मैं एक रोस्ट वीडियो निकाला हूँ, अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये वीडियो देखने के बाद देख लेना। कैमरामैन फोकस करो, हमारी मेहरारू आ रही है। बताइए वो इंसान सारी पे पवन सिंह का मजाक उड़ा रहा है जिसके खुद नाम में सारी है, मतलब खेसारी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का बिल्कुल भी मन नहीं, लेकिन क्या करें, एक दो ऐसे कुकुर मूत लोग आ जाते हैं ना, जिसे देखकर मुझे मजबूरन आना पड़ा। कैमरामैन फोकस करो, हमारी मेहरारू आ रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे वीडियो लाऊं, खेसारी लाल यादव के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोला है उसका जमकर रिलाई करूं, तो भाई देखो इस वीडियो को जमकर शेयर करना, इतना शेयर करना कि 1000+ व्यूज आ जाए, तो मैं अगला वीडियो इससे भी भयानक लाऊंगा। अगर खेसारी लाल यादव को कोई अगर उल्टा सीधा बोला है तो उसका जमकर रिलाई करूंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। क्या कुकुर मुसी गलती से निकल गया। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं गलती से नहीं जानबूझ के निकाला हूँ। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नहीं, इसका नाम कुकुर भूत सिंह रख दिया, कुकुर जैसा हरकतें करता है इसीलिए इसका नाम कुकुर भूत सिंह रख दिया। सही नाम रखे है ना तो कमेंट करके जरूर बताना। जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बेटा कुकुर मुझ सिंह, खेसारी लाल यादव का नाम तो सुना ही होगा। एक शादीशुदा लड़की होकर भी उसने मेरे नाम का टैटू अपने हाथों पे बनवा लिया। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ओके दिलवा ने आई से बसा ले हनी हम, दिल के धड़कन भी हमसे नाराज हो गई। देख लिया बेटे, और देखना है तो 91-92 बाकी तेरे गांव में। नहीं ये लो ना, छोटे मोटे चीजों में ही खुश हो जाते हैं, ऐसे खुश होते हैं जैसे जिंदगी में कभी कुछ देखा ही ना हो। अरे बेटे टैटू से बढ़कर भी कई चीज होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं प्यार। इश्क में सब दीवाने हैं। पवन सिंह के पास जो कला बा वो कोई के पास नहीं थे। वाह पवन भैया वाह, क्या चूच बा। मतलब टैलेंट बाहर निकल जाता हूँ। वाह पवन भैया वाह, क्या हिलाए हैं, बस ऐसे ही हिलाते रहिए, जमकर हिलाइए अपने चूच। ना बोल के दिखा दो बॉडी, मतलब हिलाते रहिए। क्या कर रहे हैं यार तुम, मजाक है क्या। पवन भैया के पास एक यही तो टैलेंट है जो किसी के पास नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये भगवान क्या जुलूम है। खेसारी भैया के पास भी टैलेंट बा। खेसारी भैया देखा जाता है एक झलक। अरे बस बस खेसारी भैया हो जाए ना, तो तारा पर दिल आ जाए हमारा। बेटा ये दिल के चक्कर में जो पढ़ रहे हो ना, अगर ये वीडियो तुम्हारा बाप देख लिया ना तो साले चप्पल से मारते हुए खेसारी के पास ले जाएगा, फिर तुम बोलोगे देखो भाई मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन साले तुम लोग का गण में चमुनिया काटे हैं का नहीं काटे हैं तो बताओ, मैं सरसों का तेल दूंगा और पेल दूंगा। खैर खैर ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दबा कर शेयर कर दीजिए। ठीक है समरिया। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोग को मजा लगा हो तो भाई जमकर शेयर कर दीजिए, और ये नया चैनल है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे पहले एक और मेरा चैनल था इसी चैनल से पहले जो बगल में स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, तो कुछ इशू के कारण कुछ गलती के कारण डिलीट हो गया, तो ये चैनल मैं न्यू खोला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देखने में तो सब्सक्राइब कर लेना, नया चैनल है, ऐसे ही मजा देते रहूंगा, दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।